हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. ए चार्मिंग वेलकम इन टुडेज इंग्लिश लेक्चर. लेसन नंबर 1, ए लेटर टू गॉड. दिस इज आवर पार्ट 2, ए लेटर टू गॉड लेसन. इन टुडेज इंग्लिश लेक्चर वी डिस्कस ऑन द वर्ड्स मीनिंग एंड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू ए लेटर टू गॉड. Dear students, listen carefully. Let's start our topic. Here, solitary. Solitary means lonely, separately. Upset, disturbed. Career, profession, amiable, kind of good nature. Confidence, trust. Denied, refused. An ox of a man, a hard working man, बहुत अधिक मेहनत करने वाला व्यक्ति. ए हार्ड वर्किंग मैन को an ox of a man, एक एनिमल की तरह काम करने वाला, पशु की तरह काम करने. At day break, early in the morning at a day break बोला जाता है. तो पिछले जो लेक्चर में हमने ए लेटर टू गॉड का इंट्रोडक्शन जो पढ़ा था, उससे रिलेटेड सम क्वेश्चंस आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. हु वॉज लेंचो, कि लेंचो कौन था, कि लेंचो है, लेंचो वॉज ए पुअर फार्मर एंड वेरी हार्ड वर्किंग. कि लेंचो एक पुअर फार्मर था और हार्ड वर्किंग मैन था. एंड ओक्स ऑफ ए मैन, हम उसको एन ऑक्स ऑफ ए मैन भी बोल सकते हैं, कि वो इतनी मेहनत करता था, इसलिए हम उसको एन ऑक्स ऑफ ए मैन भी बोलते हैं. वेयर वॉज हिज हाउस लोकेटेड, कि लेंचो का घर है वो कहाँ पर स्थित था. लेंचो का घर है ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, कि एक हिल के ऊपर, चोटी के ऊपर स्थित था. लेंचोज हाउस वॉज located on the top of a hill. Lonely, entirely valley के ऊपर. Lonely, अकेला, वो अकेला घर था लेंचो का. What did Lencho hope for? कि in the starting of lesson, Lencho hope कर रहा था कि ये question है, two types से हो सकता है. In the starting of lesson, Lencho hope for a good crop and Lencho hope for रेन. कि स्टार्टिंग के लिए, रेन के लिए वो भगवान से विश कर रहा था कि भगवान अगर बरसात हो जाए तो मेरी फसल अच्छी हो. तो वो फसल के लिए भी और बरसात के लिए होप कर रहा था. बट आफ्टर डिस्ट्रॉयड हिज फील्ड, ही लेंचो होप फॉर हेल्प फ्रॉम गॉड. ए 100 पैसोज हेल्प, कि 100 पैसोज की हेल्प के लिए भगवान को वो होप करता कि भगवान उसकी सहायता करेंगे. तो ये क्वेश्चन दो प्रकार से हो सकता है, कि स्टार्टिंग के लेसन के अंदर दिया गया है, स्टार्टिंग स्टेंजाज से दिया गया है. तो वहाँ तो वो होप कर रहा है कि एक उसकी अच्छी फसल हो, एंड होप फॉर गुड क्रॉप एंड रेन. बट आफ्टर डिस्ट्रॉयज हिज क्रॉप, ही होप फॉर हेल्प फ्रॉम गॉड. ए 100 पैसोज हेल्प. Who did write a letter to God? कि किसने लेटर लिखा था भगवान को, एंड वाई. कि लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड बिकॉज हिज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड एंड देर वॉज नथिंग फॉर लिविंग हिम. सो ही रोट ए लेटर टू गॉड फॉर 100 पैसोज हेल्प. What were Lencho's feelings when hailstone stopped? When the hailstorm was stopped, Lencho was very sad. Lencho had वो very sad था, sorrowful था. He thought that how he living such in condition because there was no corn in his फील्ड. कि उसकी जीवन यापन के लिए भी उसके खेत के अंदर
वो है फसल नहीं बची थी, वो इसलिए वो सैड था, सैड मूड के अंदर था, यानी सोरो फुल था। और फिर वो सोचता कि भगवान उसकी, ही थॉट दैट गॉड वुड हेल्प हिम। व्हाई डज पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजा? लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा था, बिकॉज देयर वॉज नो एनी एड्रेस ऑफ गॉड, कि भगवान का कोई भी एड्रेस नहीं होता। ही हैज ए गुड फेथ इन गॉड, सो द पोस्ट मास्टर थॉट दैट, उसकी भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था थी, इसलिए पोस्ट मास्टर ने थोड़ा सोचा कि उसकी विश्वास को, उसके ट्रस्ट को नहीं तोड़ना चाहिए, ब्रोक नहीं करना चाहिए कि भगवान के, इसलिए वो पोस्ट मास्टर एंड एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस कलेक्टेड सम पार्ट ऑफ 100 पैसेज मनी, यानी ओनली 70 पैसेज कलेक्ट एंड सेंड इट टू लेंचो। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी? क्या लेंचो उन पैसों को प्राप्त करके, कि लेंचो को जब वो 70 पैसेज का एनवलोप मिला, क्या उसको देख के वो खुश था, हैरान था, या उसके कैसा महसूस किया उसने? नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज व्हेन ही फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद 70 पैसेज, बिकॉज ही दिस मनी वॉज लेस देन वट ही डिमांडेड या वट ही रिक्वेस्टेड, जितना उसने रिक्वेस्ट किया था उससे लेस था वो। उसने नेक्स्ट क्रॉप के लिए भगवान से रिक्वेस्ट की थी 100 पैसेज की, कि वो अपनी अगली फसल बोलेगा और अपने घर परिवार को चला लेगा, तब तक वो फसल आएगी, उसके लिए उसे 100 पैसेज की डिमांड थी या रिक्वेस्ट की थी, लेकिन दिस मनी वॉज लेस देन ही रिक्वेस्टेड, सो ही वॉज वेरी एंग्री। ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज रिमेन हिज 30 पैसेज बिकॉज द गॉड डिड नॉट फॉल्स, कि गलती नहीं करता भगवान कभी भी। सो ही वॉज वेरी एंग्री टू फाइंड द लेटर ऑफ 70 पैसेज। हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, कि उस जो बचा हुआ जो 30 पैसा था, पैसोज जो उस 100 पैसोज में से 30 पैसोज जो सेंट नहीं मिले थे उसको, वो उनके बारे में क्या सोचता है लेंचो, कि वो पैसोज कहाँ हैं, किसने रख लिए? लेंचो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, क्योंकि भगवान के प्रति तो उसकी आस्था थी, तो वो सोच रहा था कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने उसके बचे हुए पैसे को रख लिया। सो ही रोट ए लेटर टू, सो ही रोट ए अनोदर लेटर टू गॉड फॉर डिमांडिंग रेस्ट ऑफ द मनी। रेस्ट ऑफ द मनी के लिए उसने दोबारा भगवान को पत्र लिखा। तो हेयर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी डिस्कस 8 क्वेश्चंस एज वर्ड मीनिंग्स। प्रिपेयर योर नोट्स इन द विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर, एंड इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस सम क्वेश्चंस, सम ऐसे टाइप क्वेश्चंस रिलेटेड ए लेटर टू गॉड लेसन। थैंक यू।